Welcome friends, welcome to my YouTube channel Ron Online Solution, and also visit my first wall Gyan Ka Pitara. Friends, aaj ka apna topic hai 9th class number system laws of exponent. Aaj apan baat karenge laws of exponent par. To sabse pehla laws apna banta hai, sabse pehla law apna hai, आपको दिया हुआ है a पावर n. अगर आपको कोई नंबर दिया हुआ है तो इसको आप लिख सकते हैं a पावर n को 1 अपॉन a पावर माइनस n. इसको मैं एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं आपको. सपोज आपको दिया हुआ a, सपोज आपको a की वैल्यू दे रखी है 5 पावर 2, और अगर आपको इसको लिखना हो तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1 अपॉन 5 पावर माइनस 2, क्योंकि पावर जब नीचे आएगी तो वो माइनस की बन जाती है. तो जब भी आपको a पावर n दिया हो उसको लिख सकते हो 1 अपॉन माइनस a पावर n. और इसी का एक और सेकंड फॉर्म है, अगर मैं इसको ऐसा लिखना चाहूं कि अगर आपको ये चीज ऐसे दी होती a पावर माइनस n, अगर आपको यहां पे दिया होता तो आप इसको लिख सकते थे, क्योंकि जब पावर रेसिप्रोकल होती है तो ये बन जाती प्लस. तो जब ये पावर 1 अपॉन में आएगी तो ये बन जाएगी वह a पावर n. तो अगर a पावर माइनस n दिया तो आप इसको लिख सकते हो 1 अपॉन a की पावर n, और अगर a की पावर n दिया तो इसको आप लिख सकते हो 1 अपॉन a की पावर माइनस n. इसको अपन एग्जांपल के तौर पे समझते हैं. जैसे अपन एक एग्जांपल ले लिया कि सपोज यहां पे वही एग्जांपल अपन वापस से लेते हैं. यहां पर होता 5 पावर माइनस 2, तो इसको मैं लिख सकता था 1 अपॉन 5 पावर 2. तो तीसरा हो गया अपने पास कि जब अपने को कोई पावर दे रखी नंबर्स की a पावर n, तो उसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन a की पावर माइनस n, और अगर पावर माइनस में दिया हुआ a पावर माइनस n तो इसको अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन a पावर n. मतलब पावर अगर नेगेटिव है तो रेसिप्रोकल में जाने के बाद प्लस बन जाती है, और अगर प्लस है तो रेसिप्रोकल में जाने के बाद क्या बन जाती है, माइनस. तो ये तो हो गया अपने पास लॉज ऑफ एक्सपोनेंट नंबर 1 के दो पार्ट है अपने पास. अब बात करते हैं एक्सपोनेंट नंबर 2 की, जो कि अपन यहां पर 3 नंबर देने वाला है इसको. तो ये तो हो गया अपने पास एक्सपोनेंट नंबर 1. अब सेकंड एक्सपोनेंट है अपने पास, सपोज आपको दो नंबर दे रखे, एक नंबर दिया हुआ है a और एक की पावर दे रखी है आपको n, और एक नंबर दिया हुआ है a और इसकी पावर आपको दे रखी है m. तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर जो बेस है इसको बोलते हैं बेस a और a. ये दोनों बेस जो है वो इक्वल है, लेकिन पावर जो है वो अलग अलग है. तो जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन में आपको दिखे व्हेन द बेस आर इक्वल, जब बेस इक्वल होते हैं तो पावर हमेशा क्या हो जाती है, एड हो जाती है. इसका मतलब ये बन जाएगा a पावर n प्लस m, या इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं क्योंकि प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं इसको a पावर m प्लस n भी लिखूंगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी. तो जब भी आपको ऐसा कोई दो नंबर गिवन हो जिसमें दोनों का बेस सेम हो, a पावर m और a पावर n, तो आप इसको प्लस कर सकते हो. जब बेस इक्वल होंगे तो पावर प्लस होगी. तो मैं लिख देता हूं यहां पे व्हेन बेस आर इक्वल, व्हेन बेस आर इक्वल देन पावर आर प्लस, पावर आर एड या प्लस भी लिख सकते हैं. जब बेस इक्वल होगी तो पावर हमेशा क्या होगी, एड होगी. इसका अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे मेरे को दिया हुआ है 2 पावर 3 एंड 2 पावर 5. आप यहां देख सकते हैं दोनों का बेस जो है वो 2 2 है, दोनों में बेस सेम है. यहां पर भी 2 और यहां पर भी 2 है, लेकिन दोनों की पावर सेम है, अलग अलग है. यहां पर 3 पावर, यहां पर कितना है 5 पावर है. तो मैंने अभी आपको बताया जब बेस इक्वल होगा आपका तो आपकी पावर क्या होगी, एड. तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 2 पावर 3 प्लस 5, ये हो जाएगा 2 पावर 3 प्लस 5, दैट मीन्स 2 पावर 8. दोस्तों ये हो गया 2 पावर 8. तो इस प्रकार जब भी दो नंबर का बेस इक्वल होगी पावर हमेशा क्या होगी, एड होगी. इसी को एक तरह से लिखा जा सकता है एक और तरीके से. जैसे मैंने आपको लिख दिया, आपको दिया हुआ a पावर m और आपको एक नंबर दे दिया a पावर माइनस n. तो आपको यहां पे क्या करना है, क्योंकि अपना जो रूल है वो यही रहेगा हमेशा, व्हेन द बेस आर इक्वल देन पावर्स आर एड. जब भी बेस इक्वल होगा पावर हमेशा क्या होगी, एड होगी. लेकिन क्योंकि यहां पर माइनस साइन है इसलिए माइनस बन जाता है वो. तो मैं इसको जैसे पावर प्लस है अपने पास, तो दोनों का बेस इक्वल है a और इसकी पावर है m, क्योंकि मैंने आपको बोला है जब भी आपका बेस इक्वल होगा पावर हमेशा क्या होगी, प्लस.
तो ये हो जाएगा m प्लस, और क्योंकि बेस इक्वल है तो ये हो जाएगा m प्लस माइनस n। तो अब यहां पे आप देख सकते हैं कि प्लस माइनस क्या बन चुका है, माइनस, तो ये बन जाएगा अपने पास a पावर m माइनस n। इसका मतलब आप डायरेक्ट क्लियर लिख सकते हैं कि अगर आपका बेस इक्वल है और दोनों के साइन प्लस है तो दोनों का प्लस हो जाएगा, अगर एक का माइनस है तो क्या हो जाएगा a पावर m माइनस n। इसको आप ऐसे एग्जांपल के तौर पर समझ सकते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल में दिया हुआ है 3 पावर 5 एंड यहां पर अपन लिख देते हैं 3 पावर माइनस 2। अब आप यहां पे देख सकते हैं दोनों का बेस जो है वो इक्वल है, इसका मतलब मैं यहां पे लिख सकता हूं इसको 3 पावर 5 प्लस सेम में जो मैं लिख रहा हूं और ब्रैकेट में माइनस 2। तो दोस्तों ये बन जाएगा प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो ये बन जाएगा 3 पावर 5 माइनस 2 दैट मींस 3 पावर 3 और उसको लिखता हूं 227। तो ये हो गया अपने पास एक्सपोनेंट नंबर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट नंबर 2 कि जब दोनों का बेस इक्वल होगा तो पावर हमेशा क्या होगी ऐड हो जाएगी। अब बात करते हैं अपन लॉज ऑफ एक्सपोनेंट नंबर 4 की, जिसमें अब यहां पे अपन एग्जांपल के लिए लेते हैं, जैसे मेरे पास एक नंबर दिया हुआ है a और इसकी पावर दे रखी है m, और एक नंबर दिया हुआ अपने को b जिसकी पावर दे रखी है m। दोस्तों अब यहां पे आप देख सकते हैं यहां पर दो अलग अलग नंबर है और पावर दोनों की सेम, जैसे मेरे पास a की पावर m है और b की पावर क्या है भी m है, लेकिन बेस दोनों के अलग अलग है। जब ऐसी कंडीशन हो, जब भी आप क्वेश्चन में ऐसी कंडीशन दिखे व्हेन द बेस आर डिफरेंट बट पावर आर सेम, तो दोनों को मैं कंबाइन करके सेम पावर लगा सकता हूं, मतलब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं a इंटू बी का होल पावर m। तो यहां पे मैं लिख देता हूं व्हेन द बेस आर डिफरेंट, व्हेन बेस आर डिफरेंट बट पावर सेम, बट पावर या डिग्री बोल सकते हो, बट पावर या डिग्री भी आप चाहें तो बोल सकते हैं आर सेम। जब बेस डिफरेंट हो लेकिन डिग्री सेम हो तो अपन दोनों को कंबाइन करके लिख सकते हैं a इंटू बी की पावर m। इसका अपन एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज आपको दिया हुआ है 3 पावर 5 एंड 6 पावर 3 या 6 पावर 5, क्योंकि दोनों का पावर सेम बनाना है, तो 3 पावर 5 एंड 6 पावर 5। जब दोनों का बेस डिफरेंट हो लेकिन पावर सेम हो तो अपन इसको लिख सकता हूं 3 इंटू 6 पावर 5, दैट मीन्स ये हो जाएगा 18 का पावर 5। ये तो हो गया अपने पास व्हेन द बेस आर डिफरेंट बट पावर्स आर सेम और डिग्री आर सेम, देन हम दोनों कंबाइन करके लिख सकते हैं 3 इंटू 6 की पावर 5। ये हो गया अपने पास लॉज ऑफ एक्सपोनेंट नंबर 4। अब बात करते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट नंबर 5 की। अब बात करते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट नंबर 5, जैसे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a पावर m अपॉन बेस में आपको दिया हुआ a पावर n। अब यहां पे थोड़ा सा अलग ये हो गया क्योंकि ये दोनों जो नंबर है वो डिवाइड में है, यहां पर हो गया a पावर m अपॉन a पावर n। दोस्तों इसको थोड़ा सिंप्लीफाई अगर अपन ये करें तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं a पावर m, अब क्योंकि ये अपॉन में है तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 1 अपॉन a पावर n, क्योंकि ये इंटू करने के बाद वापिस ऐसे ही बन जाएगा। अब आप यहाँ पे एक देख सकते हैं ये जो नंबर है अपना अपॉन में, ये जो बेस है न्यूमरेटर वो तो सेम रहेगा, लेकिन ये जो 1 अपॉन ए की पावर एन आया है, मैंने आपको बताया था फर्स्ट वाले में कि जब 1 अपॉन ए की पावर एन हो तो आप इसको लिख सकते हो ए की पावर माइनस एन। 1 अपॉन ए की पावर एन क्या होता है, 1 अपॉन ए की पावर एन इक्वल टू होता है ए पावर माइनस एन, और यहां पर ये वाली कंडीशन आ चुकी है 1 अपॉन ए पावर एन का मतलब होता है ए पावर माइनस एन, 1 अपॉन ए पावर एन क्या होता है ए पावर माइनस एन। और आप देख सकते हैं व्हेन द बेस आर इक्वल, अभी मैंने बताया था व्हेन द बेस आर इक्वल देन पावर्स आर ऐड, कि जब ए की पावर m और ए की पावर n हो दोनों का बेस सेम है लेकिन पावर डिफरेंट है तो अपन क्या करते हैं दोनों को पावर को प्लस कर देते हैं। तो यहां पर भी अपन ये चीज कर सकते हैं, दोनों का बेस इक्वल है तो यहां पर मैं लिख दूंगा इसको a पावर m प्लस माइनस n, दैट मीन्स ये फाइनली अपना बन जाएगा a पावर m, क्योंकि प्लस माइनस होता है माइनस,
तो जब भी आपके पास ए पावर एम अपॉन ए पावर एन होगा आप इसको लिखोगे, मैं इसको आप एक बार आपके सामने लिख देता हूं, ए पावर एम अपॉन ए पावर एन इज इक्वल टू, ये हो जाता है ए पावर एम माइनस एन। तो आप डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हो, जब भी आपका बेस, जब भी आपकी दो वैल्यूज हो डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर के फॉर्म में, एक्स बाय वाई के फॉर्म में दिया हो तो आप इसको लिख सकते हो ए पावर एम माइनस एन। इसका एग्जांपल अपन ले लेते हैं, सपोज आपको दिया हुआ है थ्री पावर फाइव अपॉन थ्री पावर थ्री, तो मैंने अभी आपको बताया जब आपको बस ए पावर एम और ए पावर एन होगा तो इसको आप लिख सकते हो ए पावर एम माइनस एन, दैट मीन्स फाइव माइनस थ्री, तो बन जाएगा थ्री पावर फाइव माइनस थ्री कितना होता है दोस्तों टू, तो थ्री पावर टू कितना हो जाता है नाइन। ये हो जाएगा अपना व्हेन द बेस आर सेम देन पावर्स आर एड, तो ये हो गया लॉज ऑफ एक्सपोनेंट नंबर फाइव। अब इस लॉज ऑफ एक्सपोनेंट नंबर फाइव को मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूं, सपोज आपको दिया हो कि ए पावर एम और अपॉन में दिया हो ए पावर माइनस एन, तो अभी आप अपने नंबर वन पे जाइए, नंबर वन लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पे कि जब ए पावर माइनस एन होता है वन अपॉन ए पावर माइनस एन, उसको मैं लिख सकता हूँ ए पावर एन। यहां पर यही चीज सिचुएशन क्रिएट हो रही है, अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखूं ऐसा तो ये बन जाता है ए पावर एम इंटू वन अपॉन ए पावर माइनस एन, और जब वन अपॉन ए की पावर माइनस एन होता है तो उसको मैं लिख सकता था ए की पावर एन, क्योंकि ऊपर जाने के बाद प्लस की पावर बन जाती है, तो जब भी पावर नेगेटिव होगी डिनोमिनेटर में तो ऊपर जाने के बाद प्लस बन जाती है, तो बन जाता है ए पावर एम इंटू ए पावर माइनस की जगह बन जाएगा प्लस एन। और आपको पता ही है जब बेस इक्वल्स होते हैं, तो मैंने लिखा था व्हेन द बेस आर इक्वल देन पावर्स आर एड, तो दोनों की पावर क्या हो जाएगी दोस्तों एड, तो ये हो जाएगा अपने पास ए पावर एम प्लस एन। तो दोस्तों ये हो गया व्हेन द पावर्स ऑफ डिनोमिनेटर्स आर नेगेटिव तो ऊपर जाके प्लस बन जाता है, तो ये जब भी ऐसा होगा आपने बस क्वेश्चन में दिया हो तो आप इसको लिख सकते हो ए पावर एम प्लस एन। अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं, टू पावर एट अपॉन टू पावर माइनस फाइव, दोस्तों जब ये ऊपर जाएगा तो बन जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हो टू पावर ए पावर एम अपॉन ए पावर माइनस एन होता है ए पावर एम प्लस एन, और यहाँ पे दोनों ए जो है वो टू है तो दोनों का बेस इक्वल लेकिन पावर डिफरेंट है, तो जब ऊपर जाएगा तो बन जाएगा ए पावर एम इंटू एन और प्लस हो जाएगी पावर, तो बनेगा टू पावर एट प्लस फाइव, दैट मीन्स टू पावर थर्टीन। ये पार्ट सेकेंड ऑफ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट नंबर फाइव। नेक्स्ट लॉज ऑफ एक्सपोनेंट नंबर सिक्स, जब आपको ऐसा कुछ लॉ दिया हो, सपोज आपको दिया हो अंडर रूट और यहां पर दिया है एन और यहां पर आपको दिया हुआ ए, दोस्तों आप इसको लिख सकते हैं, जब आपके पास रूट के अंदर कोई नंबर दिया है तो आप इस नंबर को इस प्रकार से लिख पाएंगे ए पावर वन बाय एन, दैट मीन्स ये जो रूट रहेगा, रूट के अंदर जो भी नंबर बैठा रहेगा रहेगा लिखा हुआ, वो नंबर हमेशा इसके वन पावर के रेसिप्रोकल में आएगा। जैसे आपको कोई नंबर दिया हुआ है रूट एट और यहां पर दिया हुआ है टू, तो दोस्तों ये आ जाएगा एट पावर वन बाय टू। जैसे आपको दिया हुआ कोई नंबर एग्जांपल के तौर पे, सपोज आपको दिया है यहां पर दिया हुआ है थ्री और यहां दिया हुआ है ट्वेंटी सेवन, तो दोस्तों इसको अपन लिख सकते हैं ट्वेंटी सेवन पावर वन बाय थ्री, क्योंकि जो भी नंबर यहां लिखा रहेगा वो हमेशा इसके रेसिप्रोकल में आएगा पावर में। अगर आपको दिया हुआ है सपोज यहां पर फाइव और यहां लिखा हुआ है एट्टी वन, तो आप इसको लिख सकते हो दोस्तों एट्टी वन की पावर वन अपॉन फाइव। अब आप चाहें तो इसको सोल्व भी कर सकते हैं, अगर आपको सोल्व करना है तो आप जैसे ये जो अपने पास 27 है इसको मैं लिख सकता हूं थ्री पावर थ्री और ये हो जाएगा वन बाय थ्री, और इसको मैं लिख सकता हूं थ्री पावर फोर और ये हो जाएगा वन बाय फाइव। तो ये जब भी आपको रूट के अंदर कोई नंबर दिया तो हमेशा उसकी पावर में रेसिप्रोकल आएगा। ये हो गया अपना लॉज ऑफ एक्सपोनेंट नंबर सिक्स। नेक्स्ट अपना लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है, सब आप सपोज आपको दिया हुआ ए की पावर एम और इसकी पावर दे रखी है आपको एन, तो जब भी आपके पास ऐसा कुछ क्वेश्चन हो जिसमें एक नंबर की पावर की होल पावर लगी हो तो आप इसको लिख सकते हो ए
जब ये पावर, ये जो पावर है ए की पावर एम इंटू एन, तो ये मल्टीप्लाई होकर बन जाता है ए पावर एम इंटू एन। तो जब भी आपके पास कोई नंबर हो जिसकी डिग्री पावर की फिर से पावर लगी हो, मतलब ए पावर एम और उसकी पावर एन है, तो उसको मैं लिख सकता था ए की पावर एम इंटू एन। सपोज मेरे पास है कोई नंबर दिया हुआ टू पावर थ्री और इसकी पावर वापिस से फोर है, इसका मतलब यह बन जाएगा टू पावर थ्री इंटू फोर, मतलब ए पावर एम इंटू एन बनेगा तो बन जाएगा टू पावर थ्री इंटू फोर, डेट मीन्स टू पावर ट्वेल्व। अब इसी का सेकंड पार्ट, सपोज ऐसा कुछ दिया हो कि आपको दे दिया गया हो ए, सेकंड पार्ट में ए की पावर एम दिया हो और इसकी होल पावर में आपको ऐसा दिया हो, ये आपको दिया हो ए की पावर एम और इसकी होल पावर आपको दे रखी हो वन बाय एन। दोस्तों फॉर्मूला वही अप्लाई होगा चाहे पावर रेसिप्रोकल में कुछ भी हो। अगर ए की पावर एम इंटू एन है उसको मैं लिख सकता हूं ए की पावर, क्योंकि पावर मल्टीप्लाई तो हो जाएगा एम इंटू वन बाय एन, दैट मीन्स एम इंटू वन बाय एन का मतलब ये बन जाता है अपने पास ए पावर एम अपॉन एन, और इसकी पावर बन जाती है होल पावर ए पावर ए की पावर एम बाय एन। जैसे अपन एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो मेरे को दिया हुआ है सपोज 81 की पावर 2 और इसकी पावर दे रखी बाहर 1 बाय 4। दोस्तों ये जो है अपने पास a की पावर m इंटू एन, इसको मैं लिख सकता हूं 81 की पावर 2 अपॉन 4, दैट मीन्स 81 2 जा 4, तो ये बन जाएगा 81 पावर 1 बाय 2। तो दोस्तों ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट नंबर 7, ए पावर एम इंटू एन मतलब ए की पावर एम एन, और इसको मैंने एग्जांपल पे आपके सामने पेश किए जो आप देख सकते हैं। ये थे अपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के रूल नंबर 7 रूल्स, जो आपको अगर आपको समझ में आया तो प्लीज मुझे कमेंट्स में रिप्लाई करें समय, अगर आप ये आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगे। प्लीज फ्रेंड्स लाइक शेयर एंड कमेंट फॉर माई वीडियोज, ताकि मैं आपके लिए अच्छे से वीडियो बना सकूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।